जैसा कि आप लोगों का क्लास ट्वेल्थ से फिजिक्स का एग्जाम आज यानी कि 22 जुलाई के दिन हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। देख सकते हो यहां पर प्यारे बच्चों सारा चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों का एग्जाम हो चुका है तो आप लोग आंसर की वगैरह मिला लीजिए, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फटाफट से वीडियो से आंसर की देख लीजिए। आगे डाउनलोड कहाँ से करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की हम बताएंगे। तो विषय अगर आपको पहले से पता 117 है, टाइम 1.5 घंटा का मिलता है, 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सेशन में प्यारे बच्चों आपसे जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर 30 तक पूछा है, जिसमें से 25 प्रश्न का ही आप लोगों को जवाब देना है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फटाफट से आंसर की बताऊंगा। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो आप पहला का नोट करेंगे ना, तो 3 × 10⁻¹⁹ होगा, तो पहला का ऑप्शन ये नोट कर लीजिएगा। दो नंबर है, यदि एक लंबे तार के जो ना खींचकर 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसके प्रतिरोध की में वृद्धि क्या होगी, तो 0.2% होगा। तो 3 का भी ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट करिएगा, 3 का नहीं 2 का। 3 नंबर की विद्युत की तीव्रता ई तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगम वीडी का संबंध क्या है, तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देख लीजिए। एक चालक में चाल कूलम्ब आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित होती है, तो धारा का मान क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 4 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। 5 नंबर है, 100 सेंटीमीटर लंबे 2.0 सेंटीमीटर व्यास के तार का प्रतिरोध 0.7 ओम है, तो बताइए तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो आप नोट करेंगे 5 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों आप नोट करेंगे 2 पॉइंट जो ना यहाँ पर डी नोट करना है ना, तो देखिएगा डी नोट करना है, 0.22 × 10⁻¹⁶ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रति जो ना विद्युत तीव्रता चूंकि धारा घनत्व की और विशिष्ट प्रतिरोध के मध्य जो ना परस्पर संबंध क्या है, तो आप 6 का नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 का आप नोट करिए, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7 नंबर का, ठीक है, R1 R2 बराबर, ठीक है, ऑप्शन ए बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, आप 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जैसे कि पूछा यहाँ पर कि ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम बढ़ता है, तो ये शायद मेरे हिसाब से ना एल्युमिनियम का होना चाहिए था, बट मुझे नहीं पता है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को अगर बना पाएँ तो बना लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, तो आप 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन ये हो जाएगा CU यानी कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 10 है, अति चालक पदार्थ की चालकता होती क्या है, तो आप नोट करेंगे, राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर है, 11 का आप डायरेक्ट नोट करिए आंसर, तो 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, R1 से R2 तक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट पेपर आपका केमिस्ट्री का आ रहा हूँ, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए पोलिटिकल साइंस का, और भी जो आपका बायो मैथ हिंदी इंग्लिश का सारा डालूंगा, तो आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जल्दी से कर लेना, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर की नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका वो तीनों, और क्वेश्चन नंबर 13 का नोट करेंगे कि किक हॉक का विंडो नियम निम्न में से किस सिद्धांत का पालन करता है, तो 13 का आंसर की मुझे नहीं पता है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे बताने का प्रयास करूँ तो ये आपका हो जाना चाहिए ऊर्जा संरक्षण का, तो ऐसे ऑप्शन नंबर ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि जब एक समविभवी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक स्थान दूसरे स्थान तक जाता है तो क्या होता है, तो आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारण नहीं होता है ना, चलिए यानी कि 0। चलिए इसके आगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तो इसका राइट आंसर आप नोट करिए, हुए स्टोर जो ना स्टोन ब्रिज से मापा क्या जाता है, तो आप नोट करेंगे 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध को, किसका हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध को। तो इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन का आप नोट डायरेक्ट करिए आंसर, डायरेक्ट नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा बी, आपको नोट करना है अधिक लंबाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 का आंसर की अगर आप लोग नोट करेंगे तो बिल्कुल आंसर की आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लेना है, वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर आपसे 19 नंबर 18 नंबर पूछा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा क्या जाता है, तो आप 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन डी नोट कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 का आंसर की मुझे जो है ना पैर बच्चों मिल गया था, इसका 0.5 वोल्ट होगा, तो देखो प्रॉपर जिसका आंसर की मुझे
मिला मैं मुझे पता जिसका था उसी का मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ इसलिए 20 का मुझे आंसर नहीं मिला था। 21 का बता दूँ तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधा। तो इसके अलावा प्यार बच्चों मुझे किसी का आंसर मिला ही नहीं था, आप ये प्रश्न वगैरह देख सकते हो। जितना मुझे मिल पाया मैंने आपको बतला दिया, ठीक है। अगर आपसे बन पाए तो आप आगे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर क्या भी बताएंगे, पहले प्रश्न आपको दिखाते हैं। खंडवा में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है, इसमें से 5 ही प्रश्न बनाना है, 2 नंबर 10 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न में बता दूं, पहला नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता की परिभाषा है, इसका ऐसा मतलब लिखिए। और इस 1 नंबर का बताऊंगा, 2 नंबर जैसे विभवमापी में लंबा जो ना तांबे के तार का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है धारा घनत्व एवं अपवाह में वेग संबंध स्थापित करें। और देखो मैं लगातार 1, 2, 3 का आंसर बताऊंगा, इसके अलावा 4 नंबर का मुझे आंसर नहीं पता था इसलिए मैं इसका छोड़ दूंगा। 4 के बाद 5 नंबर की अति निम्न एवं अति उच्च प्रतिरोधों के जो ना इसका आंसर बताया, तो इसका 5 का बता दूंगा। 6 नंबर क्वेश्चन है एम्पियर का प्रतिरोध नियम क्या है, तो इसका मैं लगातार बताऊंगा, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का आंसर की बताऊंगा। इसके अलावा आप सारे प्रश्न को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके अकॉर्डिंग जो भी बन पाए बना लो। ठीक होता है, प्रश्न 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 ही प्रश्न बनाना है ना, तो 15 नंबर के लिए आपका होगा। चलिए तो जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि हॉक के नियमों को लिखे तथा इन नियमों का उपयोग जो ना वो स्टोन ब्रिज का संतुलन अवस्था जो ना अवस्था प्राप्त करे। और क्वेश्चन नंबर 12 है विभव मापी की सहायता से सेलों की विद्युत वाहक पर संतुलन सिद्धांत प्रयोग करें। और 13 नंबर का आप देख सकते हो, तो मैं आपको बता दूं 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर का आंसर की बताऊंगा। इसके अलावा 14 पन्ना देख सकते हो। चलिए आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है फटाफट हम लोग सीख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन करिए, ठीक है। उसके बाद सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करिए, मैं पहले कर लिया हूँ। इतना कर लोगे इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपको पता है मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से आप इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आज जैसे ही ओपन होगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आओगे ना तो देखना क्लास जो है ना 12th का सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये रहा क्लास 12th का सेशन, आपको दिख रहा है ना, और ये जुलाई मंथली एग्जाम के लिए लिखा हुआ जो है ना, ये फर्स्ट वाला जो लिखा, बस इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करते ही अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर देख लियो इस वीडियो को तो आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन ही कर लेना, क्योंकि आपको प्यार बच्चों इसी चैनल पे सारा ओरिजिनल पेपर मिलेगा, तो इसे जल्दी से ज्वाइन कर लो वीडियो को रोक करके। इसके अलावा नीचे आओ तो यहाँ पर देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कुछ डिटेल में डालूंगा, बट यहाँ से आकर के आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हम अभी फिजिक्स का करेंगे तो अभी डाउनलोड करके बताएंगे आपका, जब भी एग्जाम हो बायोलॉजी मैथ इंग्लिश हिंदी सारा उर्दू का भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए साइंस वाले बच्चों के लिए। चलो फिजिक्स है इसके सामने डाउनलोड लिखा, तो डाउनलोड क्लिक कर लो। और आप लोग एक काम करना, पेज को नीचे को रिफ्रेश करना, अभी जैसे ही आप लोग वीडियो देखने के बाद जाओगे तो यहां पर आओगे तो पेज को नीचे की ओर खींच लेना, खींचने से क्या होगा रिफ्रेश हो जाएगा। देखो ये नचा ना, रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश होने से मैं अपडेट किया हूं अभी जस्ट, तो ये आंसर की आपको दिख जाएगा। कई बच्चे बोलते नहीं मिलता इसलिए आप लोग अपडेट कर लेना। फिर नीचे आना, देखो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की जो प्रॉपर मैं आपको बताया हूं, सारे प्रश्नों का आंसर की मैं यहां पर डाल दिया हूं, आप इसे बिल्कुल लिख लो। अब जितना भी मुझे पता था मैं उतना का ही आंसर के डाला हूं, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाला हूं। अब देखो यहां पर दिखा दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका प्यार बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखो, शॉर्ट में आप यहां पर देखने का प्रयास करोगे तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर है आपका, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, आप यहां से आकर के लिख लो तो काफी बेटर होगा प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर आकर के लिख लो। 3 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर रहा, इसके बाद डायरेक्ट 5 नंबर का उत्तर यहां पर मैं दिया हूं, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ये 5 नंबर का दिया हूं। आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन का मैं उत्तर यहां पर आप लोगों को दे दिया हूं, ठीक है ना। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन है, अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको 11 नंबर का उत्तर दे दिया हूँ, ये आप लिख लो। 11 के बाद आपका 12 नंबर का है, और इंग्लिश मीडियम में मैं टाइम बहुत कम था इसलिए नहीं डाला हूँ, बट कोई बात नहीं है, अगर टाइम मिलता तो मैं इंग्लिश में भी डालूंगा, ये 13 नंबर का है। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लो। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री का भी एग्जाम होगा ना, देखो केमिस्ट्री है सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लो। आर्ट्स वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे पॉलिटिकल साइंस के समय डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।